उत्तर भारत में इन दिनों टिड्डी दलों का हमला तेज है। खास बात यह है कि ये टिड्डी दल हवाओं के रुख के साथ चलती है। अब इन टिड्डी दलों ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले में हमला किया है। कोरोना आफत के बीच उत्तर भारत में टिड्डी दल आफत बनकर हमला कर रहे हैं। ये टिड्डी दल जहां से गुजर रहे हैं वहां की फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले की हैं। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद जिले की है जहां टिड्डी दलों ने हमला किया, वहीं दूसरी तस्वीर कन्नौज जिले की है। टिड्डी दलों के हमले से किसान परेशान हैं। किसान ढोल नगाड़ों और वाहनों की आवाज के जरिए टिड्डी दलों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डी दलों के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान मक्के की फसल को हुआ है। काफी मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं। यहाँ पर भी अभी तक तो कुछ नहीं है, आज ही शुरुआत हुई है। काफी देर से कल 8 घंटा हो गया उड़ते हुए, इन लोग आगे बढ़ती चली जा रही फसल खा जाती है। बहुत बिकट नुकसान है। पीपे बजा रहे हैं, ढोल बजी रहे मात तमाम। हाँ, पीपे बजाए, थालियां बजाई, मोटरसाइकिल के हारन बज रहे हैं, तसले बजा रहे। आदमी जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। इसे नुकसान क्या है? इनके सब फसलों को नष्ट कर देती हैं। कहाँ से आ रहे? क्या प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने कन्नौज में बोला हमला। कई गांव में टिड्डी दल ने अन्नदाताओं की बढ़ाई मुश्किलें। टिड्डी दल ने जिले में आने की खबरें देर रात कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डी दल प्रभावित गांव पहुंचे। टिड्डी दल को भगाने के तरीके की जानकारी दी। किसानों को देर रात टिड्डी दल भगाने में जुटे। छिबरामऊ इलाके का मामला लाइव 24 सीपी सिंह कन्नौज। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।